चलो नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। आ गए नहा कर दोनों? जी। ठंडे पानी से नहा कर आए हो ना? जी। अब हम जाए? चुपचाप बैठे रहो यहाँ, जब देखो घूमना है घूमना। बहुत बिगड़ गए हो तुम दोनों, एक दिन में सबको ठीक कर दूंगा। बैठो चुपचाप यहाँ। ये बड़ों के सामने ऐसे बैठा जाता है? ठीक से बैठो, पलथी मार के बैठो। चलो जैसे मैं बैठा हूँ बैठो। लो ये पढ़ो। ये क्या? ये रामायण है, पढ़ो इसे। पढ़ो पढ़ो। रामायण मैं पढ़ रही हूँ ताऊ जी। संजना हाँ, तू ही क्यों पढ़ रही थी? हाँ सही ना, ट्राई करना। मैंने जैसे ट्राई किया रामायण। इसमें जो भी लिखा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। राम 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 राम। तुम लोगों में तो कोई संस्कार ही नहीं है, कसी रामायण पढ़ना नहीं आता तुम लोगों को? अरे तो क्या पढ़ने आता है ताऊ जी? हमें स्कूल की किताबें पढ़ना आता है। हाँ। उससे क्या संस्कार मिलता है? बड़े दुख की बात है। अरे पापा, कितना अच्छा लग रहा है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना भाई साहब? तकलीफ? इस घर में तकलीफ के सिवा और है ही क्या? क्यों भाई साहब? अरे तेरे बच्चों में जरा भी संस्कार नहीं है, खसी रामायण तक नहीं पढ़ सकते दोनों। बाबा आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे कितने बिजी होते हैं। हाँ? स्कूल जाते हैं, फिर बैले क्लासेस जाते हैं, फिर कराटे क्लासेस जाते हैं। चुप, अपनी कमियों पर पर्दा मत डाल। मुझे तो लगता है सबसे पहले तुझे संस्कार सिखाना पड़ेगा। भाई साहब चलिए खाना तैयार है। भाई साहब चलिए एक खाना खा लेते हैं। हाँ, लेकिन सब लोग पहले हाथ धो कराओ फिर खाना खाओ। अरे दीपू, तूने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं? क्या हुआ भाई साहब? आते ही खाने पर टूट पड़े, भगवान का नाम भी नहीं लिया। अरे सॉरी भाई साहब। ठीक है, अब सब लोग आंख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करो। चलो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। चलो अभी खाना खाओ। अरे भाई साहब सबसे पहले आप। हाँ ठीक है। अरे ये क्या खाना है? तुमने क्या हमको गाय बकरी समझ लिया है जो हमारे सामने कुछ भी परोस दिया? ताऊ जी मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्यों संजना? मुझे भी बहुत पसंद है। चुप रह, बित्ते भर की छोरी, तुझे तो इतना भी लिहाज नहीं कि बड़ों के बीच कैसे बातें करती हैं? क्यों महारानी जी, ऐसा खाना बनता है? और सुनो दोनों लड़कियों, कल से तुम लोग मेरे साथ रसोई में रहोगी। तुम्हें खाना बनाना मैं सिखाऊंगी। देखती नहीं तुम्हारी माँ कितना तेल डालकर खाना बनाती है। अरे कहाँ चली? मेरा पेट भर गया। पर हमारा तो पेट खाली है, हमें खाना परोसेगा कौन? और सुनो, रात में सोने से पहले जरा मेरा पाँव दबा देना, मेरा तो बदन दर्द से दुख रहा है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मुझसे ज्यादा तो खराब नहीं है, और उससे भी तुम उससे छोटी है, मेरी देवरानी है, मेरी सेवा करना तो तेरा कर्तव्य है। क्या कर रही है? दम नहीं है क्या हाथों में? बड़े बुजुर्गों की सेवा करने की तो आदत ही नहीं है तुझ में। अरे जरा जोर लगा के दबाना। जाने दे संजना, दो तीन दिन में तो ये चले जाएंगे ना, हम जाके सो जाते हैं। चल संजना जाने दे। करुणा संजना चलो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो।
इधर आओ जल्दी, इधर आओ, अरे जल्दी आओ बाबा। अभी तो सिर्फ 4 बजे। तो क्या हुआ, जल्दी से नहा लो, रामायण का पाठ भी करने का है। हाँ, और ठंडे पानी से नहाना, समझे? जाओ। अरे 4 बज गए, जाओ जाकर नहा लो, ये कोई सोने का वक्त है क्या? अरे जाओ जाओ ना। चलो पूजा। अरे मैं नहीं, इधर जा। रुको, पहले पूजा फिर कुछ खाना। पहले पूजा फिर कुछ खाना। संजना दिखाई नहीं दे रही। संजना ताऊ जी और ताई जी को नाश्ते के लिए बुलाने गई है। हाँ, गुड, वेरी गुड। परेशान कर दिया इन लोगों ने। 2 दिन में एक भी अच्छी बात की है तुम्हारे भाई और भाभी ने? अरे? ये करने से पहले नहाओ, वो करने से पहले नहाओ, नहा नहा कर मैं तो थक गई हूँ, जुकाम हो गया है मुझे। अरे बाबा पूजा, रिलैक्स रिलैक्स। अरे बाबा आज वो जाने वाले हैं, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म। अरे बाबा तुम कहोगी तो एक काम वाली बाई भी रख देंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे करो ना संजना, चलो प्रार्थना करो, आंखें बंद करो सब लोग। लीजिए ना बस यही नाश्ता। अरे वो क्या है ना भाभी जी, आप लोग आज जाने वाले थे ना, जल्दी जल्दी में पूजा ने इतना ही बनाया। अरे तुमसे किसने कहा कि हम लोग जा रहे हैं? आप लोगों ने तो कहा था कि आप लोग जा रहे हैं। हाँ। हमने जाना कैंसिल कर दिया है। क्या? और ये विचार किया है कि हम लोग कुछ दिन यहाँ और रहेंगे। वो क्या है ना दीपू, कि कल रात को हम दोनों ने बहुत सोचा और हमको ये समझ में आया कि तुम लोगों में थोड़ा भी संस्कार नहीं है। अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना। जी भाई साहब। इस नाते मेरा तुम्हारी और कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? बनता है भाई साहब। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा संस्कार सिखा के फिर यहाँ से जाऊंगा। मेरा मतलब है आप कितने दिन और रहेंगे भाई साहब? क्यों रे, तू हमें यहाँ से भगाना चाहता है? अरे बाबा ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है ठीक है, तू कहता है तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। अरे मैं तो ऐसा कहीं नहीं रहूं बच्चा, मतलब यू आर वेलकम। ठीक है ठीक है, अब तू कहता है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन तुझे ज्यादा नहीं, यही 2-4, अच्छा चलो 6 महीने के लिए रुक जाते हैं। 6 महीने कौन सी बड़ी बात। चलो सब लोग नाश्ता करो। अब तो संजू ही नहीं संभाल सकता, उससे बात करनी पड़ेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।